जितनी मोहब्बत मुझे जैद से उससे कई ज्यादा मुझे अपनी इज्जत से। जी तो दोस्तों, आयरा मैडम अपनी इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर रह जाएंगी और जैद को ले जाएगी मुबशरा एंड ऑफ द एपिसोड में। मुबशरा जैद को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। मुबशरा ने जैद को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं। वैसे पापड़ तो आयरा ने भी बेले हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आसिफ खान की चली हुई चाल कामयाब होती है या नाकाम होती है। आयरा अपनी जिद और मैं को छोड़कर जैद के पास वापस आ जाएगी या मुबशरा को हमेशा हमेशा के लिए जैद का कर देगी। खैर, लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ खान और मुबशरा की जितनी भी चालें थी और जो कुछ उसके भाई ने आयरा के साथ किया, वो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जिस पे जैद अपने बाप आसिफ खान से सवाल करेगा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने आयरा के साथ ही ऐसा क्यों किया, पे जैद का बाप आसिफ खान उसे जवाब देगा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आयरा ने मेरे साथ भी बहुत कुछ किया, मुझे डिग्रेड कराने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर मेरी शादी रचा दी, जो कि बिल्कुल एक फेक न्यूज थी। मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ऐसे किया कि वो मेरे साथ कुछ और गलत ना कर दे, इसलिए जैद तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे उसे कमरे में बंद करना पड़ा। ये बात जैद को क्लिक कर जाएगी कि वाकई ही ऐसा हुआ है, लेकिन जैद मुबशरा के भाई को कभी भी माफ नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं इस हरकत के बदले मुबशरा को तलाक भी दे सकता हूँ क्योंकि तुमने बहुत गंदी हरकत की है मेरी बीवी आयरा के साथ। मुबशरा चूंकि जैद को हर हालत में हासिल करना चाहती है, इसलिए वो हर हाल में जैद का ही साथ देगी, क्योंकि एंड वाली एपिसोड में जैद और मुबशरा को ही एक साथ दिखाया जाएगा। इस ड्रामे की मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब जैद और मुबशरा ने ही हीरो हीरोइन बनना था, तो फिर आयरा की जैद से शादी क्यों करवाई, उसको तो किसी भी खाते में नहीं लाया जा रहा। क्या जैद आयरा को छोड़ देगा या आयरा ही जैद से खुला ले लेगी। इस ड्रामे में अना और मैं इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि हर एक बंदा इस ड्रामे में सफर कर रहा है, क्योंकि हर एक की अपनी अकड़ है और हर एक की मैं ही खत्म नहीं हो रही। मुझे लगता है एंड पे आके मुबशरा की मैं खत्म होगी और जैद उसका हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैद किसका होगा, मुबशरा का या आयरा का? ड्रामे में ऐसा क्या ट्विस्ट आएगा कि ड्रामे की बहुत ही अच्छी एंडिंग होगी, क्योंकि घिसी पिटी एंडिंग से तो हम सब भी तंग आ चुके हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैद अपनी मैं, अपनी शान और शौकत, अपनी दौलत और जायदाद छोड़कर सिर्फ आयरा का हो जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे क्विक खबर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।